वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास, काबीना ने 40 नुकाती झंडे की मंजूरी दे दी। पुलिस ऑर्डर के तहत पंजाब में जिले की सतह पर तनाज़ात के हल के लिए मसालती कमेटियां बनाने का फैसला, तनाज़ात के मुतबादल हल के बिल 2019 की मंजूरी दी गई। इजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायराकार सूबे के बड़े शहरों तक बढ़ाने का फैसला भी किया गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत चिश्तियां, लोधरा और रनाला खुर्द में कम लागत के घरों की तामीर के मंसूबे की मंजूरी दी गई। काबीना ने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर को इंतजामी और मालियाती खुद मुख्तारी देने का फैसला किया, जबकि इंतजामी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी गई। लाहौर ईस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट की तामीर के लिए वजारत मवासलात को इराज़ी मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी काला शाह काकू को कैंपस में AC टेस्टिंग लेबॉरेटरी के क्याम के लिए हुकूमत पंजाब और UET लाहौर के दरमियान माहदे के मुसवदे की मंजूरी दी गई। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अराकीन की नामजदगी की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने आबियाना के नर्ख में इजाफे की तजवीज को मुस्तरद कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि काश्तकारों के मफादात का हर कीमत पर तहफ्फुज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माली दुश्वारियों के बावजूद अवाम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। इजलास में वजीर आला ने नए वजीर बाऊ मोहम्मद रिजवान को काबीना के इजलास में शिरकत पर मुबारकबाद दी।